हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ दी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी आर लर्निंग अबाउट नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ दी एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी दोस्तों, ये एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, रूल्स 1, 2, 3 एंड 4। इन रूल 1 हमने ये पढ़ा था, इफ सिंपल साइकिल इज देयर। अगर दोस्तों कोई कॉमन इस तरह की सिंपल साइकिल है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसका नाम लिख देना है साइक्लोब्यूटेन। सपोज ये है देन साइक्लोप्रोपेन। सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड है देन साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी, सेकंड रूल में हमने क्या करा था, इफ मोनो सब्स्टिट्यूशन इज देयर विद साइक्लिक चेन। अगर साइक्लिक चेन के साथ दोस्तों मोनो सब्स्टिट्यूशन है, इन दैट केस नंबरिंग इज नॉट कंपलसरी, यू कैन write it down directly. Suppose this is your example, और यहाँ पे suppose one methyl है, so you can write methyl cyclobutane. Yes, you can write like this. आप इस तरह से लिख सकते हैं. और you can say suppose this is your example, और यहाँ पे dual bond है, then cyclopent, but one dual bond is there, so exit. So we can write cyclopent one in. और अगर आप दोस्तों ये वन नंबर को इंडिकेट नहीं करते, देन इन दैट केस साइक्लोपेंटीन। सो बोथ आर राइट, दोनों में दोस्तों राइट है, आपको यहाँ पे नंबरिंग करना कंपलसरी नहीं है। और देन उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, देन दोस्तों हमको वही पढ़ना था जो आगे सिंपल सैचुरेटेड एल्केन में हुआ था, लोएस्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट का दोस्तों सबसे कम सेट कौन सा है उसको कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करना है। फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज साइक्लोपेंट एंड यहां पे मिथाइल और यहां पे इथेन, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 एंड 2। सो दिस इज योर 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1-ethyl-2-methyl-cyclopentane, that's it. यहाँ तक पढ़ा था। Then उसके बाद दोस्तों rule हम 4 हमने पढ़ा था। In the rule 4, there are 3 sub rules. Rule 4 में दोस्तों पहला ये था, अगर दोस्तों हमारे पास with the cyclic chain, जो side chain है उसमें भी दोस्तों substitution, 4 substitution हुआ। Suppose this is ethyl cyclobutane, but in place of ethyl cyclobutane, here only CH होगी, यहाँ पे दोस्तों और एक CH3। In that case, आपको यह समझना होगा ये आइसो नहीं कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग सपोज दिस इज आइसोप्रोपाइल, सो इन दिस केस यू कैन राइट आइसोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। बट यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन दी दैट दिस साइक्लिक रिंग और वी कैन से टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस साइकिल इट मस्ट बी हायर देन दिस साइड चेन, साइड चेन से ज्यादा होना चाहिए। इन दी 4B में हमने ये पढ़ा था, अगर दोस्तों ये साइक्लिक चेन की कंपैरिजन में जो सब्स्टिट्यूटेड चेन है अगर वो ज्यादा लंबी हो, आई मीन टू से उससे वहां पे ज्यादा कार्बन हो, यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, इन दैट केस दिस साइक्लिक सिस्टम बिकम सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। और यहाँ पे दोस्तों नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, 2-cyclobutyl, आई रिपीट 2-cyclobutyl, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन, इट मीन पेंटेन, 2-cyclobutyl-pentane, ये होता है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे रूल थ्री में हमने ये पढ़ा था, अगर अल्किन है, रूल थ्री ऑफ दी फोर, अल्किन में साइक्लिक रिंग में, सॉरी इन दी साइक्लिक रिंग, इफ अल्किन इज देयर, अल्किन भी है और अल्किन से कम रिएक्टिव और कुछ कंपोनेंट भी है। सपोज अल्किन इज देयर एज वेल एज देयर आर सम मोर कंपोनेंट व्हिच आर लेस रिएक्टिव देन अल्किन, तब दोस्तों आपको नंबरिंग उसी तरह से करनी है जिससे अल्किन को सबसे कम नंबर मिले। फॉर एग्जांपल दिस इज अल्किन और यहाँ पे है Br, सो आपको कंपलसरी यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी थी 1, 2 एंड 3, सो दैट वी कैन राइट 3-bromo देन साइक्लोपेंट, सो वी कैन राइट साइक्लोपेंट 1-in, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों बात हुई थी। नाउ We are starting from the rule 5. Okay. So what is actually rule 5? You have to concentrate over here about the rule 5. Rule 5 dosto actually kya hai?
हिंदी रूल फाइव हमको ये देखना है दैट साइड चेन विद हायर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, हमारी जो साइड चेन है वहां पे कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है जो ज्यादा रिएक्टिव है। इन दैट केस यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, इन दैट केस साइक्लिक कंपाउंड वर्क एज अ सब्स्टिट्यूट, तभी दोस्तों साइक्लिक कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट कैलकुलेट करना है, कौन सी कंडीशन में उसके कार्बन साइकिल के कार्बन साइक्लिक कंपाउंड के कार्बन अगर दोस्तों हमारे मेन चेन से कम हो फिर भी ओके फिर भी दोस्तों यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर इफ कार्बन ऑफ द रिंग इज हायर देन द साइड चेन, फिर भी दोस्तों उसको सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करना है, उसके कार्बन इसके साइकिल के कार्बन अगर मेन चेन से ज्यादा है फिर भी उसको सब्स्टिट्यूएंट ही कैलकुलेट करना। मैं एक एग्जांपल से दोस्तों आपके सामने समझाने जा रहा हूं, सपोज हियर टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन ओके, यहाँ पे दोस्तों एक सी एच जुड़ा हुआ है देन सी डबल ओ एच और यहाँ पे एक सी एच थ्री ओके, दिस इज आवर चेन। सो एक्चुअली दोस्तों अगर यहाँ पे हम कार्बन कैलकुलेट करें, कार्बन ऑफ द रिंग सिस्टम विच इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6, कार्बन ऑफ द साइड चेन विच इज 1, 2 and 3, हियर टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग इज हायर देन द साइड चेन बट फिर भी दिस रिंग और दिस साइक्लिक कंपाउंड इज वर्क इज अ सब्स्टिट्यूट, इसको दोस्तों सब्स्टिट्यूट ही कंसीडर करना है बिकॉज ऑफ दिस हायर रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप, दिस इज आवर मेन चेन। मेन चेन में दोस्तों नंबरिंग कहां से होगी, नंबरिंग उसी तरह से करेंगे जिससे ज्यादा रिएक्टिव कंपोनेंट को लेस नंबर में लेस हो, यहीं से होगी फ्रॉम द राइट साइड। सो जो मैंने नंबरिंग दे रखी है दैट इज एक्चुअल राइट, मैंने यहाँ पे इसको नंबर 1 दिया है, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज द जो राइट है। ऑन द नंबर टू ये साइक्लिक सिस्टम जुड़ी हुई है एज अ सब्स्टिट्यूट, सो हम क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर पे 2 देन साइक्लो, कितने कार्बन है दोस्तों 6, then cyclohexyl कितने कार्बन है यहाँ पे 3 कार्बन, so propane, यहाँ पे दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी ये मेन चेन का पार्ट है, it means oic acid, 1 oic acid, अगर दोस्तों आप में से कोई यहाँ पे ये 1 oic acid की जगह पे propane oic acid लिखता है फिर भी वो राइट होगा। यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको देखना है ये टोटल कार्बन 3 है इन दिस सिंपल चेन और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साइड चेन दे रखी है वहां पे 6 कार्बन है, फिर भी दिस रिंग सिस्टम इज बिहेव और इज वर्क एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज ऑफ दिस हायर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में से दोस्तों एक होगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर दिस सम एग्जांपल्स, दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सपोज ये दोस्तों हमारा साइक्लोब्यूटेन है, दिस साइक्लोब्यूटेन हियर CH2CH ड्यूअल बॉन्ड CH2, सो ये टोटल कितने कार्बन इन दिस साइक्लिक चेन, साइकिल में दोस्तों टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन मींस आपको पता है 1, 2, 3 एंड 4, इट मींस ब्यूटेन, और यहाँ पे 3 ही कार्बन है बट अल्किन इज आउटसाइड द रिंग, अगर यही रिंग अल्किन में होती साइकिल में होती सॉरी ये ड्यूअल बॉन्ड अगर साइकिल में होता देन वी हैव टू कंसीडर साइकिल एज अ मेन कंपोनेंट बट हियर ड्यूअल बॉन्ड इज इन द साइड चेन, सो यही हमारी मेन होगी। उसके अलावा दोस्तों इन कंपैरिजन टू अल्केन साइक्लो अल्केन दिस अल्किन इज मोर रिएक्टिव, सो कंपलसरी वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर 1, 2 and 3। ऑन द नंबर 3 क्या है दोस्तों, ऑन द नंबर 3 वहां पे है साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल टोटल कितने कार्बन है 3 कार्बन, सो प्रॉप 1 इन साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप 1 इन।
अगर यही एग्जांपल में ड्यूअल बोन दोस्तों यहाँ पे होता, एग्जांपल के साथ देखते हैं, सपोज अगेन दिस ब्यूटीन, देन हियर CH, ड्यूअल बोन CH, CH3। इन दिस केस हमको क्या करना पड़ता दोस्तों नंबरिंग करने के लिए, अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, 2 एंड 3, सो हमारा सेट क्या होगा, 2 नंबर पे अल्केन एंड द नंबर 3 साइक्लोब्यूटाइल। इफ वी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1, 2, 3, देन दोस्तों हमारा सेट क्या होगा, 1 एंड 1, 1 नंबर पे ड्यूअल बोन, 1 नंबर पे साइक्लोब्यूटाइल, सो दिस इज कंसीडरेबल। सो इन दैट केस वी कैन राइट 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप, 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप 1 इन, सिंपल। इस तरह से दोस्तों यहां पे हम नॉर्मल लेक्चर कर सकते, ओके। लेट अस गो फॉर द वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल को दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारा कुछ इस तरह का एग्जांपल है, ओके, ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन के साथ दोस्तों यहां से कुछ इस तरह से कंपाउंड दे रखे हैं। चलो इसका नोमेनक्लेचर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, डबल दोस्तों आपको इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू कैन सी यहां पे साइक्लिक सिस्टम में देयर इज नो डाउट साइकिल चेन, साइक्लिक कंपाउंड इज देयर, बट यहीं से दोस्तों आप स्टार्ट करो, यहां पे एक्चुअल में क्या होगा, CH3 होगा, दिस इज योर CH3, हम यहां पे कार्बन होगा, देन CH एंड CH बिकॉज ऑफ ड्यूअल बॉन्ड, एंड अगेन यहां पे CH, देन ये CH डायरेक्टली कहां से जुड़ा है दोस्तों, एक्चुअल में ये साइक्लोप्रोपेन है या यही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, या इसमें यही कंपाउंड आपको फिर से लिख के दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये ओनली कार्बन होगा, दिस इज ओनली कार्बन, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली यही कार्बन को हमने साइक्लिक सिस्टम का पार्ट कंसिडर किया है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये अलग ही साइक्लिक सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं। सपोज दिस इज साइक्लोपेंटेन, अभी साइक्लोपेंटेन ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इथेन है, उसके बाद दिस इज ड्यूअल बॉन्ड, देन सी ड्यूअल बॉन्ड को और CH3, सो ये स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरह से लिखोगे, CH3 CH 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 CH2 CH3, और इन अ सिंपल वे अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको, CH3 देन CH2 देन CH, ओके, देन दिस इज CH, CH के साथ दिस इज साइक्लोपेंटेन, ओके, दिस इज साइक्लोपेंटेन विद दिस CH, ओके, देन आगे क्या हो सकता है, अगेन CH ड्यूअल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या हो सकता है, यू कैन सी C ड्यूअल बॉन्ड O देन CH3, सो ये दोनों एक ही, इसको हमने अभी के लिए कैंसिल आउट किया, बिकॉज यही कार्बन से दोस्तों दो अलग अलग चेन थी, यही कार्बन के साथ दो अलग अलग चेन थी, इसका नोमेनक्लेचर भी पॉसिबल है बट कुछ अलग से होगा दोस्तों, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ओके। सो अभी दोस्तों अगर यहाँ पे मेरे को नोमेनक्लेचर करना है तो क्या कर सकते हैं, वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग रिगार्डिंग द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, हियर एल्केन इज देयर, साइक्लिक सिस्टम इज देयर, एज वेल एज कीटोन इज देयर, सो in this compounds ketone is more reactive, so we have to give priority to the ketone, so we should start from here 1 2 3 4 5 6 and 7, on the number 5 cyclopentyl, aur yahi ek only one single substituent hai jo hum aage likh sakte hain, so 5 number pe cyclopentyl, so agar likhna hai first of all 5 fir se likh raha hu यहाँ पे दोस्तों 5 साइक्लोपेंटाइल, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी 5 साइक्लोपेंटाइल, आफ्टर दी 5 साइक्लोपेंटाइल, दोस्तों 5 साइक्लोपेंटाइल के बाद हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सी टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, इट मींस हैप्ट, कि कौन से नंबर पे अल्केन है, 3 नंबर पे हैप्ट इन, हैप्ट इन के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से क्या हो सकता है, 2 नंबर पे हैप्ट इन, उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं, यू कैन सी हैप्ट इन के बाद 2 नंबर पे लिखेंगे ऑन,
O N E, one की तरह लिखा है O N E, so in on है, एक्चुअली ये किस तरह का कंपाउंड है, in on है, जहां पे सॉरी in on को जिस तरह से लिखेंगे, दिस इज alkene प्लस on, in on, in प्लस on, फिर से दोस्तों 5, बिकॉज ऑफ 5 देन साइक्लोपेंटाइल, टोटल कार्बन 7, 7, 3 नंबर पे in, so hept 3 in, देन टू नंबर पे ऑन टू ऑन, हेप्ट थ्री इन टू ऑन। अगर दोस्तों ये कंपाउंड जो यहाँ पे लिखा है अगर उसका नोमेनक्लेचर करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मेन चेन में आपको दिखा नजर हो, दिस इज योर मेन चेन, 1 2 3 4, ये चार कार्बन ही आपकी मेन चेन में रहेगी, CH3, देन सी ड्यूअल बॉन्ड ओ, देन CH ड्यूअल बॉन्ड CH, ड्यूअल बॉन्ड CH के साथ ही दोस्तों यही से साइकिल शुरू हो रही है, सो ये हमारी होगी साइकिल, 5 कार्बन, सो दिस इज आवर साइकिल, तो 5 कार्बन है, ओके 5 कार्बन साइकिल, उसी में दोस्तों ये फर्स्ट नंबर पे अलग से इथाइल जुड़ा हुआ है, सो ऑन द नंबर 1 इथाइल ये होगा। सो एज वी डिस्कस्ड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कीटोन, कीटोन को प्रायोरिटी देनी है, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड 4, सो ये ब्यूट 3 इन 2 ऑन है, बट 4 नंबर पे दोस्तों यहाँ पे ओनली नॉट ऑन दी साइक्लोपेंटाइल, हमने एक रूल पढ़ा था जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, आई मीन टू से सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, इन दैट केस वो आइसो हो सकता है, नियो हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या फिर टर्सरी हो सकता है, इफ देयर इज नो सेकेंडरी टर्सरी नो आइसो नियो देन थर्ड पॉसिबिलिटी आपको नंबरिंग करनी होगी, और आपको नंबरिंग स्टार्ट कहां से करनी है, जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है, दिस इज कार्बन व्हिच इज अटैच्ड विद द मेन चेन, सो यहां पे नंबरिंग करेंगे, ऑन द नंबर 1 दिस इज इथाइल, सो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था, नंबर 4 पे है, सो वी शुड राइट हियर 4, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है, 1 नंबर पे 2 कार्बन इट मींस इथाइल, 1 इथाइल, उसके बाद साइक्लोपेंटाइल, ओके 1 इथाइल साइक्लोपेंटाइल, ओके 1 ethyl cyclopentyl bracket end करने के बाद क्या करना होगा, 4 carbon, so but के कितने नंबर पे कार्बन पे, 3 नंबर पे, but 3 in, और कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, on 2 on, this is actual name of this particular given compound, इसका name ये होगा, so somehow complicated बट यू कैन मैनेज इट, आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक से प्रैक्टिस करनी है, वीडियो रिवर्स जाना है, फिर से ये पॉइंट देखना है, फिर से प्रैक्टिस करनी है, देन यू आर एबल टू डू दिस, उसके बाद दोस्तों आप ये इजीली कर पाओगे, सो आपके लिए ये हार्ड होना चाहिए नहीं, ओके फ्रेंड्स, दोस्तों हमने कुछ डिफरेंट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप यानी के एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एसिड हैलाइड, ये सभी ग्रुप का जब नोमेनक्लेचर पढ़ा था तब हमने बात की थी, अगर कार्बन फ्रॉम दिस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, कार्बन फ्रॉम दिस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज पार्ट ऑफ द चेन, अगर वो मेन चेन का पार्ट है, इन दैट केस आपके लिए उसका सफिक्स कुछ डिफरेंट होगा, आई मीन टू से फॉर द CHO सफिक्स इज आल, फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स इज ओइक एसिड, सफिक्स इज एमाइड, यह सभी इन एसिड ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड और ऑयल हैलाइड, और यहाँ पे था नाइट्राइल, ठीक है, बट अगर दोस्तों ये कार्बन मेन चेन मेन कार्बन का कंपोनेंट ना हो, इन दैट केस इन सब के लिए दोस्तों दूसरा सफिक्स है जो हमने पढ़ा था, आई मीन टू से फॉर द एल्डिहाइड, हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, दैट इज कार्बाल्डिहाइड, आप सबको पता होगा दैट इज कार्बाल्डिहाइड, फॉर सी डबल ओ एच उसके लिए दोस्तों क्या था, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें कार्बन एमाइड की, CONH2 की, तो उसके लिए दोस्तों था कार्बोक्सामाइड, अभी कार्बोक्सामाइड को किस तरह से लिख सकते हैं, यू कैन सी आप कार्बोक्सामाइड को कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक से दोस्तों इसको नोट बनाना, दिस इज कार्बो एंड दिस इज ज़ेमाइड, कार्बोक्सामाइड, उसी तरह से ये ऑयल क्लोराइड था, ऑयल क्लोराइड की जगह पे दोस्तों क्या लिख सकते हैं,
कार्बोनाइल क्लोराइड, यू कैन सी कार्बोनाइल क्लोराइड कुछ इस तरह से, कार्बो और किसी ड्यूअल बॉन्ड हो देन ऑयल, और इसको एक्चुअल में लिखना है कार्बोनाइल क्लोराइड NaCl क्लोराइड और हैलाइड, अगर और कोई हैलाइड है देन CN, CN को हम क्या लिख सकते हैं याद करो, इसके लिए दोस्तों हमारे पास था इन दी प्लेस ऑफ ओनली नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल, ये ऑलरेडी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं बट फिर भी आपको क्या करना है इसको एक बार फिर से नोट कर देना है, वीडियो पॉज करना है, ठीक से याद करना है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस, उसके बाद दोस्तों इसकी कुछ प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज साइक्लोब्यूटेन, हर बार सर आपको साइक्लोब्यूटेन ही दिखता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्रॉ करने के लिए, दैट्स व्हाई साइक्लोब्यूटेन, सो दिस इज साइक्लोब्यूटेन, ओके साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन के साथ क्या है दोस्तों एट द नंबर वन there is only one substituent, so अगर दोस्तों आप यहाँ पे numbering करते हो well and good, अगर आप numbering नहीं करते फिर भी आपको पता चल जाएगा there is only one our I mean to say mono substituent, so we have to write cyclobutane one carbonitrile in place of, I repeat, in place of CN a nitrile, मैंने carbonitrile क्यों use किया, because this carbon from the carbonitrile is not the part of the main chain. Okay, that's why. Suppose there is one more example. This is cyclohexane and C double H. So, यहाँ पे दोस्तों नाम क्या हो सकता है? Total six carbon. It means cyclohexane one. In the place of oic acid, we have to write carboxylic acid, in the place of oic acid we have to write carboxylic acid, that's it. Suppose dosto yahan pe ek se zyada substituent hai, for example okay this is single bond, isko single bond hi calculate karna hai, suppose this is CH1, this is OH, so first of all you have to identify which is more reactive, CHOaldehyde is more reactive, so you have to start numbering, और आपको वन नंबर उसी कार्बन को देना है जिसके साथ ज्यादा रिएक्टिव है, इनटू से एल्डिहाइड जुड़ा है, वन एंड टू, सो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है हाइड्रोक्सिल, इट मींस उसका आपको क्या लिखना है प्रेफिक्स, टू नंबर पे हाइड्रोक्सिल का प्रेफिक्स क्या था हाइड्रोक्सी, सो वी शुड राइट टू हाइड्रोक्सी साइक्लो, टोटल कार्बन इन द साइकिल 1 2 3 4 एंड 5, सो साइक्लो पेंटेन one, in the place of al we have to write carbaldehyde, we should write carbaldehyde, carbaldehyde over here, because carbon of this main reactive functional group is not the part of the main chain, main chain ke mein humne total 5 carbon hi consider kiye hai, theek hai, let's go for the one more example, for example for last example hai dosto, uske alawa से आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सपोज दिस इज अवर, फिर से वही पे आ जाओगे ब्यूटेन, ओके सर ये कीटोन है साइक्लोकीटोन और यहाँ पे है सी एच ओ, तो पहले हमको सर ये दोनों नजदीक वाले हैं एल्डिहाइड एंड दी कीटोन, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों दैट एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, इन दोनों में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव, सो दिस इज वन एंड टू, सो टू नंबर पे कीटोन है एज अ प्रेफिक्स हमने क्या लिखा था ऑक्सो, टू ऑक्सो साइक्लो, कितने कार्बन है साइकिल में 4, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बाल्डिहाइड, यहाँ पे फिर डाई ट्राई टेट्रा वाले एग्जाम्पल हो सकते हैं, ओके यू हैव टू राइट इन एक्चुअल नेम ऑफ दिस गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड का आपको नेम लिखना है सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच एंड दी सी डबल एच, क्या हो सकता है दैट इज इन योर होमवर्क, द हिंट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने दोस्तों मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है अभी दोस्तों आगे बढ़ना है, रूल 7, दोस्तों रूल 7 में क्या करना है, जिस तरह के कंपाउंड हो तब हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए रूल 7 को कंसिडर करेंगे, दोस्तों कंसिडर करने के लिए मैं आपको कुछ कंडीशन दे रहा हूं, the first condition is cyclo compound is a side chain,
कौन सी कंडीशन है, साइक्लो कंपाउंड साइड चेन। और आपको पता है साइक्लो कंपाउंड कब कब साइड चेन हो सकते हैं। इन दैट साइड चेन इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर देयर, मल्टीपल बॉन्ड्स मीन अल्किन और अल्काइन, इन और आइन, अल्किन और अल्काइन है, तब दोस्तों वहां पे हमको कौन सा रूल यूज करना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट वाला, ब्रैकेट वाला रूल यूज करना है। आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल, मैं दोस्तों एक एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। सपोज दिस इज CH3CHC ड्यूअल बॉन्ड OH, हियर विद दिस कार्बन वन साइकिल इज देयर। सपोज दिस इज आवर वन साइकिल, ये हमारी साइकिल साइक्लोप्रोपाइल, बट यहां पे दोस्तों एक ड्यूअल बॉन्ड है। So, हमने जो रूल पढ़ा था दोस्तों, रूल कुछ इस तरह से था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेन रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, सो यही हमारी मेन चेन होगी, देयर इज नो डाउट। मेन चेन के साथ जो सब्स्टिट्यूट है उसमें भी अगर दोस्तों सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो आपको वहीं पे फर्स्ट नंबर देना है जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है, देन 2 एंड 3, उसको ब्रैकेट में लिखना है। सो यहाँ पे कौन से नंबर पे, ऑन द प्लस 2, सो 2 उसके अंदर दोस्तों नंबरिंग करो ब्रैकेट में। ब्रैकेट में ये ड्यूअल बॉन्ड कहाँ पे है, in the bracket dual bond is in the plus 2, so 2 number पे दोस्तों, so क्या लिखना है यहाँ पे, total कितने carbon है, 3 carbon, so 2 prop 2, not only in, यहाँ पे दोस्तों only in ही लिखना है, inyl, because I repeat यहाँ पे in the plus of in, मैंने inyl क्यों लिखा है, in the plus of in, inyl is there because right now alkene is not main reactive functional group side chain, so 2 prop 2 inyl, total कितने कार्बन है, 3 कार्बन, so propane 1 oic acid, propane 1 oic acid or propane oic acid, you can write whatever you like, दोनों में से आपको जो भी ज्यादा सुटेबल हो you can write that component, okay, so ring component में majority examples दोस्तों यहाँ पे majority rule यहाँ पे complete हो रहे, but we have to add more 3 rules, एकदम short and simple 3 rules है जो दोस्तों हम ऐड करेंगे, बट इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।